आज के इस वीडियो में हम डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। कई लोग जो है उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं कि डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग क्या है। वैसे उन्होंने होस्टिंग के बारे में सुना तो जरूर होगा कि अगर हम अपने खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें होस्टिंग लेनी पड़ती है, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होती क्या है तो वो आप समझ लीजिए। बेसिकली कंपनीज ने जो है डेडिकेटेड सर्वर पे जो है होस्टिंग प्लान देने का भी वादा किया हुआ है। यानी कि एक प्लान तो होता है कि आप शेयर्ड वेब होस्टिंग ले लेते हैं, यानी कि आपको एक सर्वर पे जो है कई लोगों के साथ जो है काम करना पड़ता है। यानी कि आपको मान लीजिए शेयर्ड वेब होस्टिंग आपने खरीद ली, सस्ती जरूर पड़ती है लेकिन वो एक शुरुआती समय के लिए बेहतर ऑप्शन है। यानी कि आप एक नई वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक शेयर्ड वेब होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो काफी ज्यादा ट्रैफिक आपको लाकर दे सकती है शुरुआत से ही, तो आपको डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग लेनी चाहिए। या फिर आप जो है एक बार ट्राई कर चुके हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग के साथ और अब जो है आपकी वेबसाइट एक ऑथराइज हो चुकी है, उस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक भी आने लगा और उससे आप कहीं ना कहीं लाखों रुपए कमाने लगे, तब आपको फैसला करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन क्वालिटी के होस्टिंग प्लान के साथ, जो कि रहेगा डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग। और वो आपको मिलता है ब्लू होस्ट की ओर से। ब्लू होस्ट एक बहुत ही कमाल की कंपनी है जो कि आपको अच्छे खासे जो है होस्टिंग प्लान्स प्रोवाइड करती है, और उनकी ओर से डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग प्लान्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप भी लाखों में अच्छा खासा ट्रैफिक पाना चाहते हैं और वो भी बिना कोई हिचकिचाहट के, क्योंकि कई बार होता ये है कि अगर हम सस्ता कोई होस्टिंग प्लान ले लेते हैं और उसमें अगर लाखों में ट्रैफिक आ गया वेबसाइट में तो आपकी वेबसाइट क्रैश होने का खतरा रहता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको डेडिकेटेड जो सर्वर दे दिया जाता है वो उस पर सिर्फ आप ही की वेबसाइट चलेगी और किसी की भी वेबसाइट नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अच्छे खासी फीस भी पे करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव है वो यहाँ पर आपका प्लान रहने वाला है। जानने में तो कुछ नहीं जाता, जान लीजिए, कभी ना कभी काम भी आ सकता है आपके। चैनल पहली बनाए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। और डायरेक्टली आपको मैं इनकी वेबसाइट की ओर ले चलता हूं, उनके सभी पैकेजेस के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो सीधा ब्लू होस्ट वेबसाइट की ओर आ चुके हैं, और सिंपली अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे bluehost.in, और यहाँ पर जो है आपके पास पावरफुल जो है डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर्स के लिए आपको बेटर ऑप्शन देती है ये कंपनी। इसमें जो आपको 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। कम से कम आप 12 महीनों के लिए प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्लान मिलेगा, एनहेंस्ड मिलेगा और प्रीमियम मिलेगा। स्टैंडर्ड प्लान की जो प्राइस है वो 8,499 रुपये पर मंथ में रहेगा, और एनहेंस्ड की बात करें तो ये भी आपको 10,499 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा, और प्रीमियम प्लान की बात करें तो ये 11,999 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा। और ये जो आपको तीनों प्लान्स है वो यहाँ पर आपको मैंने प्राइसिंग के साथ बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको 8,499 रुपये वाला प्लान चाहिए तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप सामने देख भी सकते हो एक एक करके। इसमें आपको 8 कोर्स और 8 GB की रैम मिलेगी, 500 GB का आपको मिनट मिलेगा SSD स्टोरेज, और 5 TB की बैंडविथ मिलेगी। 3 IP आपको एड्रेस डेडिकेटेड मिलने वाले हैं, और सी पैनल आपको इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसका 10,000 वाला 499 का प्लान लेते हो तो उसमें आपको सेम 8 GB की और 16 GB की जो रैम है वो मिलेगी। यानी कि जो पहले प्लान था उसमें 8 GB रैम थी, इसमें आपको 16 GB रैम दी जा रही है। पुराने में आपको 500 GB की स्टोरेज थी, इसमें आपको 1 TB की स्टोरेज मिलेगी। पहले वाले में 5 TB की जो है बैंडविथ थी, इसमें आपको 10 TB की बैंडविथ मिलेगी। पहले वाले में 3 IP एड्रेस का ऑप्शन था, इसमें आपको 4 IP एड्रेस मिलेंगे और सी पैनल इसमें भी इंक्लूडेड है। और लास्ट प्लान जो उनका एनहेंस्ड वाला है या प्रीमियम वाला है, और लास्ट प्लान जो इनका प्रीमियम वाला है जो कि 11,999 रुपये का है, ये सबसे बड़ा प्लान है। और इसमें जो आपको 8 कोर्स और 30 GB की रैम मिलेगी, जबकि पहले वाले में 16 GB की रैम थी। और इसमें जो है आपको 1.5 TB की स्टोरेज मिलने वाली, जबकि पहले वाले में 1 TB की स्टोरेज थी। और इसके अलावा इसमें आपको 15 TB की बैंडविथ मिलेगी, जबकि पहले वाले में 10 TB की थी। और इसमें आपको 5 IP एड्रेस मिलेंगे, और पहले में 4 IP एड्रेस थे, और सी पैनल इसमें भी आपको इंक्लूड करके दिया जा रहा है। तो जो आप प्लान के साथ जाना चाहें वो यहाँ पर आप ले सकते हो। अब मान लो आपने कोई भी इनमें से प्लान लेना है, तो अगर आप बेसिकली ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करने के लिए आप इनका स्टैंडर्ड प्लान है उसके साथ आप जा सकते हो, जो कि 8,499 रुपये का पड़ेगा। सिंपली आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर क्या करना है वो आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो अब बात आती है कि यहाँ पर जो है आपको अपना डोमेन जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको डोमेन यहाँ से परचेज़ करना है तो यहाँ पर आपको .com या .in जो भी आपको ऑप्शंस हैं वो यहाँ से आप ले सकते हो उनसे, और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। इन केस आपके पास पहले से कोई डोमेन है तो आप यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हो। वो आपको डोमेन का नेम यहाँ पर एंटर करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हम इसको हम स्किप करेंगे यहाँ पे।
अब स्किप करने के बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आपको जीमेल से या तो सिंपली लॉगिन कर लेना है या फिर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना पहला नाम, लास्ट नेम, बिजनेस का नेम ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल सकते, नहीं तो रहने दीजिए। कंट्री इंडिया रहेगी, स्ट्रीट एड्रेस डाल दीजिए, सिटी का नेम डाल दीजिए, स्टेट कौन सा आपका वो डाल दीजिए, एरिया, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप डालनी होगी। जीएसटी यूज़ करते हैं तो डाल सकते, नहीं तो छोड़ दीजिए। और पैकेज इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है कि आपको कौन सा प्लान आप ले रहे हो, 8,499 रुपये वाला। और सर्वर जो लोकेशन है वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर आप ट्राई कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे सर्वर भी चेंज करवा सकते हो नज़दीक कराने के लिए। होस्टिंग जो प्राइस है वो आपका जो टोटल रहेगा 12 महीनों के लिए वो रहेगा 101,988 रुपये, जो कि आपको पूरे एक साल के लिए पे करने पड़ेंगे। और इसमें जो आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट बैकअप प्रोटेक्शन भी चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से 1,428 रुपये पे कर सकते हैं, जो कि एक साल की फीस होगी। वही मैनेज सर्वर्स के लिए आप 5,499 रुपये अलग से पे कर सकते हैं। और आपकी वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट देने के लिए जो है आपको 149 रुपीज़ पर मंथ जो है वो पे करना पड़ेगा। और मालवेयर प्रोटेक्शन चाहते हैं तो वो भी आप पे कर सकते हैं। टोटल जो आपको कॉस्ट बनेगी पे करने के लिए वो बनेगी 1,03,776 रुपये। और इसकी जो पेमेंट है वो पेमेंट कैसे कर सकते हो, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, डिजिटल वॉलेट्स, हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो सिंपली आपको आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कई तरह के पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के, उनमें से जिससे भी आप चाहो वो आप पेमेंट करके यहाँ पर अपनी ब्लू होस्ट में डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग परचेज कर सकते हो।